हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग्स में। मैं हूँ प्रियंका। सो गाइस, जो है मैं आ चुकी इस वाले रूम पे, और इस वाले रूम की मुझे आज चादरें बदलनी हैं। झाड़ू पोछा अभी मेरा नहीं हुआ है, तो यहीं से ही हम अभी स्टार्ट करेंगे झाड़ू पोछा। तो सुबह के 11 बज रहे होंगे अभी, और मैं नीचे की सफाई करके आ चुकी हूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह जो सुबह के काम होते हैं वो सारे निपट चुके हैं, बस साफ़ सफाई का काम बचा हुआ था। तो नीचे की करने के बाद मैं ऊपर आ चुकी हूँ, और आज थोड़ा सा मैं बिज़ी भी हूँ, काम ज़्यादा है, जल्दी जल्दी निपटाने की थोड़ी जल्दी है मुझे, क्योंकि आज है मदर्स डे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। सभी के लिए मदर्स डे खास होता है, तो आज खास दिन पे बहुत ही स्पेशल मेरे लिए होने वाला है, वो ये कि मेरी मम्मी आ रही है, और मेरी मम्मी और मेरी सास दोनों एक साथ आ रहे हैं, वो भी मदर्स डे पे। तो ये एक इस्तफाक ही है। वैसे तो मेरी मम्मी 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से आई नहीं है मम्मी। जब हमारा मकान बन रहा था तब आई थी, और तब से मम्मी आज तो आ रही है। बहुत बड़ा इस्तफाक हो गया कि मदर्स डे पे मम्मी आ रही हो इतने सालों बाद। तो मम्मी वैसे ना अंशु के जन्मदिन पे आने वाली थी, जन्मदिन हमने मनाया नहीं, इसीलिए जो है आज का प्रोग्राम मम्मी ने रखा कि आ जाऊँगी। तो सोचा हमने मम्मी आएंगी तो केक वेक कट कर लेंगे, क्योंकि अंशु का जन्मदिन मनाया नहीं था, और अंशु बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गया था, बच्चे समझते नहीं है ना, इसीलिए। तो केक हमने ना नहीं काटा था, मम्मी कह रही थी कि वैसे केक जो है छोड़ते नहीं हैं, केक कट करते हैं, भले ही कैंडल वगैरह नहीं जलाते या पूजा नहीं करते इसीलिए। बट मैंने ना किया नहीं था, तो मैंने कहा चलो अब बाद में कर लेंगे, ऐसा मैंने अंशु से कहा था, इसीलिए तब जाके माना था वो, इसलिए आज बुला लिया है दोनों को, मम्मी को और सास को। तो आज शाम तो को इसी की तैयारी वगैरह कर रही हैं, फटाफट से काम कर लेते हैं, उनके आने तक ना सारे काम जो है निपट जाएंगे तो सही है। फिर क्या होता ना, बैठने का मन करता है ना, काम करने का मन नहीं करता है, इसीलिए। तो झाड़ू वाड़ू जो है मैंने लगा लिया है, मंदिर का तो पहले ही हो जाता है, सुबह दिया ये जलाना होता है, बट मैं एक बार और मार लूँगी, फिर उसके बाद पोछा ओछा लगाएंगे, थोड़ी सी बाहर की सफाई करेंगे, फिर आगे की जो भी हमारे शाम की। सो गाइस, आप लोग पहले पूछे हैं कि मम्मी इतने टाइम में क्यों आती हैं या मम्मी क्यों नहीं आती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है गांव में ना बहुत सारे काम होते हैं, और मम्मी की 3-4 जानवर हैं, मम्मी के खेत है, तो होता है ना टाइम नहीं मिल पाता है। और जो मेरे ससुराल हैं और मायके हैं दोनों साथ में ही हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए जब भी मैं ससुराल आती हूँ तो मायके आना या मिलना हो जाता है, खैर रहना तो नहीं हो पाता है, बट मुलाकात हो जाती है, और बीच में मेरे काफ़ी चक्कर लगे इसीलिए, बट मुलाकात नहीं हुई, खाली पापा से मुलाकात हुई, मम्मी से नहीं हुई, मगर हाँ हो जाती है मुलाकात ससुराल और मायके की जगह है। तो काम काफ़ी रहता है गाँव में, कितने सारे काम होते हैं इसके अलावा, तो मम्मी आ नहीं पाती है, इसीलिए आज बहुत मुश्किलों से आई हूँ। तो मम्मी इसी खुशी में जो है फटाफट से मैं निपटा रही हूँ, सुबह से लगी पड़ी हूँ कि मम्मी आने वाली है, मम्मी आने वाली है, जल्दी जल्दी काम करना है। अंशु अलग खुश हुआ है कि नानी आ रही है, दादी आ रही है, और जो मेरी सास है उनका तो आना जाना लगा रहता है, खैर वो आ जाती हैं, सास जो है उनके चक्कर लग जाते हैं महीने में 1-2 बार, या फिर यहीं रहती हैं वो, जब भी घर में जैसे काम हम का आता है ना खेती, इसीलिए चक्कर बीच में मारते रहती है जब भी काम का टाइम आता है, फिर उसके बाद यहीं आ जाती है मम्मी। तो ये झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है, और उसके बाद ये दरीज़ हैं पतली सी, दोनों यहीं पे लगती है, तो इनको मैं यहाँ पे लगा लूँगी, और बाकी जो कमरों में हैं वहाँ लगा लूँगी। तो यहाँ की सफाई तो कंप्लीट हो चुकी है, नीचे की सफाई भी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा बाहर का बच्चा है तो वहाँ भी मैं जो है झाड़ू वाड़ू मार लूँगी, और पोछा ओछा लगाना हो तो पोछा ओछा लगा लूँगी। फिर इसके बाद जो है ये देखिए हस्बैंड जी भी लगे हैं, उनको थोड़ी सी भी धूल दिखती है ना तो खुद ही लगते हैं सफाई करने में, तो खिड़की खुली रहती है ना, आजकल गर्मी है और धूल भी उड़ती रहती है, इसीलिए यहाँ पे लगा ली है दरी।
सो गाइस दोनों मम्मियाँ आ चुकी हैं और अंशु इतनी जल्दी भग के गया ना कि नानी आ रही है, नानी आ रही है करके, और सूजी भी इतनी खुश हो रखी है ना आज। मम्मी इसने खाना भी गिरा रहे थे, खुशी के खा रहे थे। मम्मी को देख के करता है, मम्मी को देख के करता है। अबे यार बैठा। अरे सुजी अभी आ रहे हैं, बाहर रुक जा। देख इसको तो देखो सुजी। नो सुजी आने दो, फिर अभी आने दो खुशी के। सो गाइस मम्मी और जो मेरी सास हैं दोनों जने आ चुके हैं और सूजी को देख के कितना खुश हो रखी है। इसे संभालना ना बहुत मुश्किल हो रखा है, तो ऐसे ही खुश हो जाती है जब भी कोई घर में आता है तो। नहीं अभी नाखून लगेंगे, सुबह भी देखना नाखून लगेंगे किसी। नो सूजी नो, गुनगुना पिलाओ। नॉर्मल बोतल लेके जाओ, ठंडी हो रही है। गिलास ऊपर मिलेंगे बेटा, उसमें मिलेंगी बड़ी वाली लेके चलो। मामा तो गर्म पानी पीएंगी। मैं गर्म पानी कर रही हूँ, मत ले चलो। चलो छोटी वाली लेके जाओ, छोटी वाली लेके जाओ। बंद करो उसको, पैर से बंद कर रहा, देख रहे हो उसके काम। जाओ लेके आओ। गर्मी में गर्मा गर्म चाय बनके तैयार हो चुकी है और चाय भी है गुड़ की। तो गुड़ की चाय जो है ना दोनों मम्मी को पसंद है, चीनी की चाय नहीं पीते हैं लोग, उन्हें गुड़ की चाय पसंद है इसीलिए। तो गुड़ की चाय बन चुकी है और हम लोग यहाँ पे बैठ के सभी जने बातें कर रहे हैं। शुभम है, मम्मी है, अंशु है, मैं हूँ और जो मेरी सास है। इसके साथ जी जो है मंगाई जा रही है यहाँ पे मिठाई, तो मम्मी मिठाई लेके आई होंगी। और जो मेरे हस्बैंड जी है ना उन्हें मिठाई इतनी पसंद है, इतनी पसंद है मैं कि क्या ही कहूँ। तो आते ही अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मिठाई लेके आई। मम्मी जब भी आती है ना उनके लिए जो है लेके ही आती है, बट आज मम्मी लेके आई है उनकी, यानी सास लेके आई है, हस्बैंड जी की सास यानी मेरी मम्मी। तो देखिए आते ही मिठाई मांगने लग गए, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है। वैसे मिठाई तो मुझे भी बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। और तो यही है, मिठाई पाई खाते हैं, चाय पाई पीते हैं, तो उनसे बातें करते हैं, फिर करेंगे हम शाम की तैयारी। सो गाइस थोड़ी देर बैठने के बाद अब आ चुके हैं नीचे। तो मम्मी को देखना था नीचे का कैसा हो रखा है, क्या हो रखा है। तो ये है मम्मी और जो बैठी हुई है वो है मेरी सास। तो दोनों की बातें चल रही हैं और अभी मैं आज आपको दिखाऊंगी नीचे वाला। तो नीचे वाले मकान में कोई नहीं रहता फ़िलहाल, हिमांशु और शुभम रहते हैं इस वाले रूम पे। तो एक बेड यहाँ पे है उनके सोने के लिए, ऊपर जगह नहीं हो रही थी इसलिए एक बेड को हमने इस रूम पे छोड़ दिया है। तो छोटा मोटा थोड़ा सा सामान है, अंशु के यहाँ पे प्राइस वगैरह हैं जो कि ऐसी हैं, और नीचे आटा चावल रखा हुआ है जो कि हमें लगाना है, घर से आया है ये। तो जब पुराना वाला ख़त्म हो जाएगा तब नया वाला लगाएंगे। अब चलते हैं आपको बाहर की तरफ, बाहर पे दिखाती हूँ मैं कैसा हो रखा है। तो ये था मेरा वाला रूम जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है, और ये हमारा मंदिर। तो अब ऊपर शिफ्ट हो गया ना इसीलिए ऊपर मैंने लगा दिया है, बट मम्मी ने कहा है कि मंदिर को खाली नहीं रखना है, एक उसमें मूर्ति होनी ही चाहिए चाहे हम बाहर ऊपर क्यों ना शिफ्ट हो गए हो। इसलिए यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी, मंदिर तो साफ़ कर ही दिया था। तो फिर इसके बाद ये जो है ये लॉबी है, तो लॉबी भी काफ़ी जगह है लॉबी में भी, और जो नीचे के हमारे कमरे हैं ना वो ऊपर के मुताबिक बड़े हैं।
थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे जो मैसी हो रखा है, साफ़ सफाई करी ना, तो इस सामान को यहीं पे रख दिया है। इसके बाद चलते हैं दूसरे वाले रूम पे। तो ये दो रूम, तीन कमरे हैं बड़े बड़े, दो बेड लगाने के बाद भी ना इसमें काफ़ी स्पेस बचता था, बट ऊपर जगह बहुत कम है, इसीलिए जो है चॉइस नहीं है, जैसे लगे हैं उन्हें वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे हैं कमरे, जगह हमने ऊपर छोड़ के बनाया है। और ये मेरा किचन है, ये भी बेचारा खाली पड़ा हुआ है, तो यही है। और नीचे ना काफ़ी ठंडा हो रहा है ऊपर के मुताबिक, क्योंकि ऊपर बन चुके हैं तो नीचे ठंडा हो जाता है। तो शाम हो चुकी है गाइस, और मुझे करनी है शाम की तैयारी। आज हम सेलिब्रेट करेंगे मदर्स डे और अंशु का जन्मदिन, जिसकी तैयारी करनी है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे की वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।